क्या आज हम दिखाएंगे आपको बिजी में कंपनी क्रिएट करके। पहले सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम लेजर, ठीक है। यहाँ कंपनी पे आए, क्रिएट पर, यहाँ पे हम लेजर के नाम से ही कंपनी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद इंडिया करेंगे, इंडिया करने के बाद नीचे जो स्टेट है उत्तर प्रदेश डाल लेंगे, उत्तर प्रदेश, ये डेट ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ इसका लिख लेंगे मम्मी नगर सराय, ठीक है। ये अमी नगर हो गया, इसके बाद सराय हो गया, एंटर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सारे को एंटर एंटर कर देंगे। सारे डेट फिल करने के बाद इसके बाद क्या है, अकाउंटेंट डिटेल्स है, इसे भी हम एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। सारे को इसे एक्सेप्ट एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे सारे को इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा प्रोसेसिंग चल रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो तब तक के ये भी किए तारा, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई है इस प्रकार से 93, ठीक है। तो इसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद जो हमारा पासवर्ड है इसे यस, पासवर्ड रखना है तो वाई और नहीं रखना है तो नो कर लेंगे और सेव करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो है हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई है इस प्रकार से। इसके बाद करेंगे इसे एक बार एस्केप, ये हमारी जो है कंपनी बन के आ गई है, इधर देखो यहाँ दिख रही है। इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे और एंटर करेंगे यहाँ से, इसके बाद मास्टर्स पे, उसके बाद जो है ये यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट्स पे, इसके बाद ऐड पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेजर का इंटरफेस है वो बन के यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऐड अकाउंट्स मास्टर्स दिख रहा होगा, पर इस प्रकार से हमारा जिसमें पहला लेजर होगा एडीवी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ऐसे एंटर करेंगे, यहाँ भी ये हमारा ग्रुप मांग रहा है, ग्रुप किसके अंडर होता है, जैसे कि ये होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, एक्सपेंस हो गया इनडायरेक्ट। इसके बाद यहाँ से कितने रुपये का है हमारा, ये हमारा 200 रुपये DR है, इस प्रकार से एंटर करेंगे, ठीक है। इसके सारी ये जो है इसे इसी प्रकार से रखेंगे और इसे एंटर एंटर करके, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हम इसे फिल कर लेंगे और इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। अगला लेजर जो होगा हमारा कैपिटल का होगा, ठीक है, कैपिटल एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी कैपिटल किसके अंडर होता है, कैपिटल होता है कैपिटल अकाउंट के अंडर। इसके बाद कितने रुपये का, 3600 रुपये CR यहाँ से हम डाल लेंगे, इसके बाद इसे भी एंटर करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम सारी डिटेल फिल कर लेंगे और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर होगा मशीनरी का होगा, एंटर करेंगे। ये मशीनरी किसके अंडर होती है फिक्स्ड असेट के अंदर, ठीक है ना, ये हमारी संपत्ति होती है, एंटर करेंगे यहाँ भी और इसे एक्सेप्ट कर। इसके बाद क्या करेंगे, कितने रुपये का है हमारा, 700 DR, ठीक है, इसे एंटर करेंगे और इसे भी सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेजर है वो है सेल्स का, ठीक है। तो जो अगली एंट्री थी हमारी सेल्स रिटर्न की थी, एंटर करेंगे। सेल्स रिटर्न किसके अंडर आएगा, सेल्स के अंडर ही आएगा, एंटर करेंगे। इस प्रकार से कितने रुपए का हमारा सेल्स रिटर्न जो है, 4000 रुपये का है। इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी इस प्रकार से एंटर करके से एक्सेप्ट करा लेंगे, एंट्री भी हमारी क्लियर हो गई है। इसके बाद जो है अगली एंट्री है स्टॉक की, ये भी हमारे इसमें ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। इसके बाद ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह दूसरी कोई एंट्री लेंगे, हम लेंगे ड्राइंग की, ठीक है। ये हो गई, इसे एक लेंगे हम अंडर में जो है लेंगे ग्रुप में कैपिटल, ठीक है, 400 रुपये DR। इस प्रकार से जो है हमारी ये एंट्री भी से हम एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। और ये भी सेव होगी, सेव होने के बाद जो है, ठीक है। तो अगली एंट्री जो है हमारे वेजेज, वेजेज क्या होता है, वेजेज होता है खर्चा, ठीक है। यहाँ पे वेजेज एंटर करेंगे, ठीक है। ग्रुप्स में लाके क्या होता है, ये डायरेक्ट ये होता है एक्सपेंस, खर्चा होता है, ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एंटर करेंगे। इसके बाद कितने रुपए का ये हमारा, तो हम पेमेंट डाल लेंगे 1000 रुपये। इस प्रकार से एंटर डालने के बाद इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। ये भी हमारी एक्सेप्ट हो गई है। इसके बाद जो है अगली एंट्री हमारी है कैरिज IW, ठीक है। इस प्रकार से इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जो होगा इसका भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस डायरेक्ट है। इस प्रकार से इसका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो भी इसका बैलेंस होगा हम वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से जैसे 50 रुपये था, इस प्रकार से एंटर एंटर करके से एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। इसे भी हम करेंगे सेव। अगला जो लेजर है हमारा सैलरी का है, यहाँ से हम बना लेंगे सैलरी का लेजर, ये भी ऑलरेडी है इसमें पहले से ही, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑलरेडी पहले से आप बनाएंगे, कोई और दूसरा हमारा अगला लेजर ले लेंगे हम इसमें। तो अगला लेजर लेंगे हम रेंट का,
ठीक है, रेंट हो गया, रेंट ग्रुप जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस हाँ ये हो गया। इसके बाद एंटर करेंगे कितने रुपए का है हमारा रेंट, हम डाल लेंगे 500 रुपये का डी, इसे भी एंटर करेंगे और इसी प्रकार से एंटर एंटर करके से सेव करा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद जो है अगला लेजर है हमारा क्रेडिट डेबिटर्स का। ठीक है, इसी प्रकार से डेबिटर इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ग्रुप में आएगा, ग्रुप में क्या होगा सेंडरी डेबिटर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ले लिया। इसके बाद इसका पेमेंट डाल लेंगे हम, पेमेंट कितना रुपये है इसके 300 रुपये डी आर है। इस प्रकार से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा सेव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एंटर करेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोई एक नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर बन देंगे रेफरेंस। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर इस प्रकार से इसे यस करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगली एंट्री है हमारी क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप में जो है सेंडरी क्रेडिटर्स भर देंगे हम, एंटर करेंगे। इसके बाद कितने रुपये, 50 रुपये सी आर, 500 रुपये सी आर है, एंटर करेंगे। इस प्रकार से करने के बाद इसे करेंगे हम सेव। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी कोई एक नंबर भर लेंगे रेफरेंस नंबर कोई भी। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसे यस कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी एंट्री क्लियर होगी, टोटल लेजर हमारे बन गई है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसका रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद करेंगे इसे एक बार एस्केप और एस्केप एक बार। ठीक है, इसके बाद लाएंगे हम इसे साइड में डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे आके बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे, ओरिजेंटल पे एंटर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ला के इसे F2 कर देंगे, एंटर एंटर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा ये देखो लोडिंग होने लग रहा है। इस प्रकार से जितने भी हमने लेजर बनाए थे इस प्रकार से हमारे सारे लेजर निकल जाएंगे। इसके बाद जो है इसका प्रिंट निकाल के देखना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑल्ट पी करेंगे, ऑल्ट पी करके से हम देखेंगे प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद इसके प्रकार से यहाँ भी प्रीव्यू करेंगे और इसके बाद लैंडस्केप यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद देखो इसे भी इस प्रकार से था। इसके बाद देखो इसे करेंगे हम थोड़ा सा जूम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से हमारा जो है प्रिंट निकल के आ गया लेजर का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।